हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाक में मांस बढ़ना यानी नेजल पॉलिसी ये आम बात नहीं है। इसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। तो जानते हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, या आप एक साइड से सांस आराम से ले पा रहे हैं और दूसरी साइड से सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी कंडीशन या तो कभी नाक की हड्डी मुड़ जाने पर या नाक के अंदर मांस डेवलप हो जाने पर होता है। आज का वीडियो हमारा नेजल पॉलिप के बारे में है। नेजल पॉलिप ये एक नॉन कैंसरस और पेनलेस कंडीशन होती है, लेकिन इसके कारण मरीज को काफ़ी बेचैनी होती है। जब किसी व्यक्ति के नाक के अंदर मांस बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके चेहरे पर सूजन और एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नाक में मांस बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ इसके लक्षण और बचाव के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नाक में मांस बढ़ने के कारणों के बारे में। वैसे तो इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक कारण आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे डेवलप होने के पीछे कारण बनते हैं, जैसे कि अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज की सांस के नली में सूजन और दर्द पैदा हो जाती है, साथ ही साथ जलन के कारण नाक में मांस बढ़ सकता है। नेजल पॉलिप होने की दूसरी कंडीशन हो सकती है जिस्म में एस्पिरिन सेंसिटिविटी होना, जिसके कारण उसके नाक में मांस बढ़ जाता है। वहीं जब नाक में गाढ़ा और चिपचिपा लिक्विड बनने लग जाता है तो इस कंडीशन को सिस्टिक फाइब्रोसिस कह जाता है। इस समस्या से भी नाक में मांस बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया, मांस बढ़ने के पीछे कोई स्पष्ट कारण मालूम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जिसके कारण भी नाक में मांस बढ़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नाक में मांस बढ़ने पर दिखने वाले लक्षणों के बारे में। इसमें मरीज की नाक बहना शुरू हो जाती है, नाक में उपस्थित द्रव गले की तरफ जाने लगता है, मरीज की सुनने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे पर दर्द महसूस होता है, सिर दर्द की समस्या डेवलप हो सकती है, ऊपर के दांतों में मरीज को दर्द महसूस हो सकता है, मरीज खर्राटे ले सकता है, वो ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाता है और उसे नाक बंद महसूस होती है। इसके साथ साथ मरीज की स्मेल करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। दोस्तों, समझते हैं नाक में मांस बढ़ने से बचाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नाक में मांस बढ़ने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं है, ऐसे में स्पष्ट बचाव भी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रोकथाम है जिसके ज़रिए आप इसे रोग समस्या को रोक सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएंगे तो ऐसा करने से बैक्टीरिया वायरस आपके जिस्म के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। नाक की समस्या जैसे कि जलन, सूजन, साइनोसाइटिस भी कम होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हवा के अंदर मौजूद उत्तेजक पदार्थ फैले होते हैं जो सांस के गहरे लेने से नाक में एंटर कर जाते हैं, हमें इससे भी बचना चाहिए। साथ ही साथ सिगरेट, तंबाकू के धुएं से बचना ज़रूरी है। अस्थमा और एलर्जी के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर ये कंडीशन ठीक से ट्रीट नहीं हो पाती है तो ये नेजल पॉलिप के रूप में बढ़ सकती है। नाक में मांस बढ़ने के इलाज के दौरान डॉक्टर इसकी जांच करते हैं। इसकी जांच के लिए कुछ टेस्ट की मदद लेते हैं, जैसा कि नेजल एंडोस्कोपी, इमेजिंग टेस्टिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए एलर्जी टेस्टिंग। पता लगाने के बाद डॉक्टर इसके सिम्टम्स के आधार पर आपको दवाइयाँ देते हैं और आप इस बीमारी से छूट सकते हैं। वहीं हम होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से नेजल पॉलिप की समस्या को बेहद आसानी से और इसके पीछे फैक्टर बनने वाले कारणों को बेहद आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक में कई ऐसी शानदार दवाइयाँ मौजूद है जो इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी नेजल पॉलिप, वो डेवलप होने के पीछे कारण, डेवलप होने पर दिखने वाले लक्षण और बचाव के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।